अस्सलाम वालेकुम। तो टाइटल और थंबनेल देखो, आपको पता चल गया होगा कि भी आज की वीडियो क्या है। तो कल की बात है ये कि कल थी बसंत इतवार को, सबको पता सियालकोट में जितने भी हैं। तो रात को बनानी थी, पर रात को मैं छत पे नहीं गया, दुरान सो गया हुआ था। अब दुरान वीडियो बना रहा है, दुरान अब दुरान मुझे कहा था मुझे उठा लेना 12 बजे, पर मैंने इसको उठाया नहीं है। तो उसके बाद सुबह मैं फिर रात को ना अलार्म लगा के सो गया। सुबह मैं उठा 6 बजे, 6 बजे मैं छत पर गया तो काफ़ी ज़्यादा ना गुड्डी उड़ी थी। तो उसके बाद मैंने दिमाग उठाया, मैं कहा जो ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो बनाई, 2 गुड्डे मैंने काटे, 2 दिमाग ने काटे और 4 गुड्डे हमारे कटे। तो मतलब ना काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद वो सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास। उसके बाद नीचे आए, नीचे आ गए, फिर चले गए मैं नाश्ता लेने। नाश्ता ले गए हैं वापस, फिर छत पे बैठे हैं। छत पे वैसे मोबाइल यूज़ कर रहे थे, गुड्डे नीचे उड़ा रहे हैं। उस मैं तो मोबाइल यूज़ कर रहा था, दिमाग पा रहा था। दिमाग का आज पेपर था, जुर्मान उठा है, ये सारा कसूर इसका हुआ है। ये अभी पीछे से हाथ रहा है, मैं नहीं तो उधर एमबी की थी, मैं सुबह बस उधर की। ये मैं बताता हूँ तुमने उड़ाई थी या नहीं। ये उठा इसने क्या किया है, ये लेके आया गुड्डा, ये लाया गुड्डा अपना। तो इसका ना गुड्डा ना पहले बेचे में वो हो गया। तो अरमान भाई ने देखा, अरमान भाई ने कहा ये क्या, पहले इसने कटवा लिया। वो नीचे से अपने ना 10-12 गुड्डे ले आए, ऊपर छत पे रख दिए। उसे 3 गुड्डे काटे अरमान भाई, नहीं कटवाए अपने 3 गुड्डे अरमान भाई ने। तो पापा को गुस्सा चढ़ गया, पापा ने कहा तुम क्या गुड्डे कटवाई जा रहे हो। पापा ने कहा हम बसंत बताते थे 20-20 साल पहले के, पता लगता था एक सौ बसंत बनाते हैं ऐसे। पापा का वो हुआ कोई, तो पापा ने कहा चलो भी उड़ाते हैं हम भी। तो पापा ने उड़ाया गुड्डा अपना, पापा ने एक गुड्डा काटा, पापा ने दूसरा गुड्डा काटा। उसके बाद 3 गुड्डे पापा ने काट दिए। मैं देख के ना, मैं कहा ये कैसे, सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, मैं कहा ये किस तरह पापा। उसके बाद पापा ने काटे 3 गुड्डे। तो उतनी देर में ना एकदम से ना मैं अल्लाह की तरफ से ना इशारा हुआ है, तो हम सबको ऐसे लगा कि पुलिस आई है। पुलिस नहीं, पापा को मोटरसाइकिल की आवाज आई है। पापा गए इधर, पापा इधर आए हैं छत पे, ये दिखाओ इधर ऊपर, इधर छत पे आए पापा ने, वो बिल्कुल सामने हाथ है। तो वहाँ पुलिस वाले थे 2 बाइक पे, और एक बंदा था उसके साथ जिसने मुखपड़ी किया, वही था साथ। उससे उन्होंने पूछा कि कौन सा गार्ड है, उसने कहा ये वाला गार्ड है। अभी पापा उधर से आए मेरे पास, पापा ने कहा 2 तोड़ दे, मैंने 2 तोड़ी है। उतनी देर में नीचे दरवाजा, उन्होंने फिर ठुड्डे मारे सही, उन्होंने दिखे लगाया दरवाजे को, दरवाजा खुल गया। मैं इधर नीचे आ गया सीढ़ियों पे, मैं कहा दरवाजा ना खोलना। उतनी देर में मैं फिर इधर वैसे ना चलने लगा सीढ़ियों पे आगे ना, कि मैं मुझे पता ही नहीं ऊपर कोई गुड्डी उड़ी है या नहीं। उसने मुझे पकड़ा इधर से, कहता है चल उतर तू भी। मैं कहा मैं ऊपर गया, मैं मुझे इधर से पकड़ा हुआ था ऐसे। मैं कहा मैंने ऐसे पंजाबी में कहा, मैं कहा तू तो छा मैंने, मैं तू गाली बढ़िया थी। तो उसके बाद कहना चौका के बैठे इतने बह चौक कर गया खाई ना। फिर भाई ने मुझे कहा कि चुप कर जा, तो खड़े हो जाओ। उसके बाद एक दो मोहल्ले वाले बंदे भी थे, उनका भी शुक्रिया कि वो आए साथ। तो उन्होंने वो आए छत पे, उन्होंने कहा कि आए करते हैं बैठ के काट लेते हैं, पर उन्होंने सुनी कुछ ना। घंटा एक ना 11 बजे तक नहीं बनना पुलिस आई है। उसके बाद 1 घंटा 12 बजे तक ना हम छत पे रहे हैं। एक पुलिस वाला छत पे था हमारे पास, और बाकी एक नीचे था। उसने ना SHO को फोन काट दिया हुआ था, मतलब ना पक्की मुखबड़ी मिली हुई थी कि ये वाला गार्ड है, इस गार्ड में छापा मारने मारना है। उन्होंने कहीं नहीं, हमारे साथ वाले गार्ड, पीछे गार्ड, आगे, हर जगह गुड्डी उड़ी थी, हर जगह से गुड्डी उड़ा रहे थे। तो हमने कहा ये भी उड़ा रहे हैं, कहते हैं अच्छा उनको भी देखते हैं। तो उसने पुलिस वाले ने भी बताया कि आपकी वीडियो मिली है हमें, किसी ने बना के भेजी है पहले आपकी, हमें किसी ने वीडियो बना के भेजी है। उसके बाद फिर हमने ड्रोन उड़ाया, तो ड्रोन ने फिर हमने अपना घर आपका घर ट्रेस किया सारा। उसके बाद मतलब बात यही है कि किसी ने मुखबिरी की है पक्की, और हमें पता है किसने की है। तो वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा किसने किया, बाकी वो वीडियो देख रहा होगा उसका पता होगा। हमें कोई नहीं हुआ, हम आ गए वापस एक रात में, हम वापस आ गए। तो एक रात में घंटे में कुछ घंटे में हम तीनों तो आ गए थे, वो बताता हूँ ना भी साथ साथ सारा। तो उसके बाद घंटा एक छत पे रहे हैं। उसके बाद SHO SI, उसके बाद जितने भी होते हैं सारे आ गए छत पे, तकरीबन ना 15-16 पुलिस वाले, बीच में SHO बताया सारे आ गए। SHO अब्दुलरहमान था, और हाजी असलम था, ASI जो भी होता है वो। उसके बाद वो आए छत पे, तो छत पे वो लोग, उनको यही था कि इनके पास ना बड़ी गुड्डी है। तो छत पे उन्होंने देखा इनके पास इतनी, पहले उन्होंने बताया हम पुलिस वाले, उन्होंने आगे सही जैसे वो बात मिली करते हैं, उन्होंने कहा भैया भैया थले, फिर हम बैठे नीचे, हमने कहा इनके आगे क्या बोलना है। 15-16 थे, 2-3 होते तो कर लेना, फिर इनको भी कहा कि काट लेते हैं, इन्होंने कहा नहीं। उसके बाद नीचे उतरे पूरे मोहल्ले गया हमें साइड कराई। उसके बाद मतलब जिधर गाड़ी तक जाना था उधर तक हमें पैदल लेके गए, पूरा मोहल्ला 100-150 बंदा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ था। बाकी मोहल्ले की होती हैं 4 साइड, 2-3 साइड थी ना जो वो हमारे साथ थी, मतलब हमारे हक में थी कि शरीफ है हम भी मोहल्ले में, इतने हम आवारा नहीं है कि हर वक्त मोहल्ले में बाहर फिरते हों। तो पापा का भी सबको पता है कि बचपन से ही नहीं है पापा भी इधर, तो पता था सर का
सानों को पता था पापा का भी। उसके बाद वो लेके गए गाड़ी में, गाड़ी में हमारे साथ ही ना, ये हमारी गली पूरी आगे वाली ना साड़ी गली। तो थाने पहुंचे, थाने गए हैं तो घंटा एक हमें हम पांचों का ना हवालात में रखा है, मैं भी हवालात में, अब्दुलमान भी। उसके बाद उन्होंने कहा ये बच्चे हैं, और मुंशी होता जो पर्चा करता है उसने मेरा और अब्दुलमान का नाम नहीं लिखा। वो कहता है तुम दोनों आ जाओ बाहर, हम दोनों को बाहर निकाला, मतलब बाहर ही बिठाया थोड़ी देर, मतलब गाड़ी नहीं भेजा उधर ही बिठाया थाने में। उसके बाद फिर अरमान भाई का, अरमान भाई की एज पूछी, उसने कहा कि 18। फिर भाई ने भाई को आगे से, भाई ने अकलमंदी की, भाई ने कहा नहीं अभी होना है इसने अक्टूबर में 18 का। उसने कहा इसका भी नहीं अभी शनाख्ती कार्ड बना हुआ। तो उसने कहा तुम भी आ जाओ बाहर। तो अरमान भाई बाहर आए, उसके बाद 2-3 घंटे हम उधर बैठे हैं। उसके बाद 11 बजे का चार के ना तकरीबन हम 3:30 बजे गाड़ आए हैं वापस, उधर से निकले हैं। तो हमारा पूरा मोहल्ला था उधर, शुक्रिया सबका, वीडियो देख रहे होंगे वो, हमारा पूरा मोहल्ला था ना उधर थाने आया हुआ था। उनको पहले यही था कि ये इतने नहीं होंगे कि इनके पीछे इतने आएंगे। जब उन्होंने देखा ना हमारा पूरा मोहल्ला तकरीबन 20-30 तो नहीं कहता, 15-20 मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी। उसके बाद एक एक मोटरसाइकिल पर हम तीनों आए, जिसने मुखबिरी की थी उसका उन्होंने देखा होगा, एक एक मोटरसाइकिल पर, मैं एक मोटरसाइकिल में बैठा था, एक पे अब्दुलमान और एक पे अरमान भाई। उसके बाद अभी अब्दुलमान तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा था? मैं तो पहले पंजाब में बैठा था, मुझे समझ नहीं आया कि हमारे घर पुलिस आ गई, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारे घर में। ये सारा कसूर ही इसका था, अब्दुलमान का। मेरा ना सब कसूर था, जो हमें साथ वाले घर में फेंक दिए थे, तो वहाँ भी गए, वहाँ से भी देख के आए। हाँ गया घर मैं, अब्दुलमान और अरमान भाई। तो इसको तो पुलिस वाले ने पहले कहा था तुम्हारे साथ नहीं, मतलब तुम पेपर चले हो ना, मुझे तो हम चारों का कहा हुआ था, इसको नहीं था कहा हुआ। पर्चा उन्होंने ऊपर छत पे खड़े होकर काट दिया था, 12:35 पे ऊपर छत पे उन्होंने नाम पूछा है, 12:35 पे पापा पे और भाई पे पर्चा काट दिया उन्होंने। हम तीनों तो निकला क्योंकि हम पे पर्चा नहीं था हुआ। उसके बाद फिर SHO ने उधर थाने SHO ने बुलाया, SHO ने पूछा कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, हमने नहीं बताया, हमने कहा पिछले साल लिया है। तो कहता पिछले साल जहाँ से ली थी वो मर गया होगा, हम आगे से चुप, उसके आगे तो नहीं था ना बोलना है। तो उधर फिर हम थोड़ी देर चुप रहे, फिर उससे माजरत की, क्या अंजानी उड़ाएंगे, उनके सामने तो नहीं थे ना बोल सकते, उसे मोहल्ले वाले कौंसलर साढ़े थे, उन्होंने कहा चलो माजरत करो, उनको कहा माजरत अब नहीं होगा, तो उन्होंने कहा चलो आप जाओ। तो पता है आप सबको कैसे हम गए, वैसे ही आए, इसके बगैर तो ना था कोई काम। फिर हम आए वापस, उसके बाद वापस आए हैं, उसके बाद ना मैं आ गया हूँ चिकन लेने के, उनको ना रोटी देने जानी थी, और उधर SHO खड़ा, मुझे कहता है इधर क्या लेने आए, और अल्लाह की तरफ से हर जगह ही SHO, वो ही SHO अब्दुलरहमान नजर आए, मुझे कहता है इधर क्या लेने आए, मैं कहा चिकन, कहता चलो ठीक है। काउंसलर ने ना फिर हमें बताया कि उन्होंने कहा अब आपने आना है, मामू भी हमारे साथ ही, मामू ने ना बड़ा किया, जिस वक्त पुलिस आई ना उस वक्त मामू पढ़ाया, उन्होंने कहा तुम चलो नीचे, ये ना तुम्हें भी साथ ले जाए, फिर मामू नीचे आ गए थे। तो मामू भी हमारे साथ ही रहे हैं जितनी देर हुआ है, मामू का भी शुक्रिया। फिर मामू ने आके बताया कि अब उन्होंने कहा 6 बजे आप आना, तो पर्चा तो हो गया, वह था जमाना तो नहीं थी, सुबह 6 बजे गए, 6 बजे गए तो रात को आए तकरीबन 9 बजे वापस आए, शख्सी जमानत ले के, वो भी शख्सी जमानत ली। उसके बाद शख्सी जमानत ले के पापा और भाई गार्ड आए, बहुत शुक्र किया अल्लाह का। फिर आज जाना था सुबह, सुबह गए तो सिफारिश थी थोड़ी हमारी, फ़ोन कराए हुए थे, उनको पता था कि है ये बंदे थोड़े पुराना SHO, उसका फ़ोन कराया था हमने, रिटायर्ड SHO को, रिटायर्ड SHO मतलब जो 1 महीना पहले रिटायर हुए थे, यही सी विलन थाने में, अगर वो होते ना फिर तो इतना मसला नहीं था उन्हें। तो फ़ोन कराए, फिर उधर से उन्होंने कहा कि वकील की ज़रूरत नहीं है, आप जब आपका वैसे ही ना हो जाएगी जमानत। तो अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह की करनी थी, कोई के जज नहीं था बैठा हुआ, तो फ़ोन उसका गया हुआ था पुराने SHO का, उन्होंने वो फिर जज के नीचे एक होता है लेडी थी कोई उधर बैठी हुई, पापा ताड़े थे, तो उसने फिर मतलब पर्चा जो था ना FIR वो चलनी थी कि जमानत वगैरह आगे तक यहीं पढ़नी थी, वो कोई काम ही नहीं ना, पर्चा ना उधर ही हार्ड हो गया, मतलब झूठा करार दे दिया गया, जिसकी वजह से ना बहुत बच्चे तो हो गए, कोई क्रिमिनल कार्ड नहीं है ना पापा पे है ना किसी पे है, तो किसी पे ना कोई मसला नहीं हुआ। तो श्री कौशल किसी पे कोई क्रिमिनल कार्ड नहीं है, तो जो तुम लोगों ने करना था ना वो नहीं हुआ, हमारी इज्जत है वैसे की वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो हम वापस अपने परिंदों के कॉन्टेंट पे आने लगे, क्योंकि पापा तो वैसे भी इस वक्त में नहीं थे, ये गुड़ी उड़ाने वाले, पापा को पता था कि गले गुले कटते हैं। तो पापा ने बड़ी देर बड़ी पहले 20-30 साल पहले बताया ना बसंत मनाते थे, तो एकदम ही ना पापा को हुआ कि ये कटवाई जाने गुड्डे, तो पापा ने 3 कट्ठे गुड्डे काटे हैं गुड्डे 3 कट्ठे। उसके बाद आधी पुलिस आ गई, तो पापा ने अब कहा कि अब आपने गुड्डी नहीं उड़ानी है, तो अब वैसे भी हमने उड़ानी नहीं, तो मोहल्ले वाले है ही नहीं इतने, ये नहीं मैं कह सकता कि बाकी मोहल्ले वालों ने बड़ा किया हमारे साथ, पर जिसने मुखबिरी की है ना वो हमें पता है उसने की है, वीडियो भी वो देख रहा होगा, तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। एक रात में हम सारे
हम सारों को लेके गए थे, हम चारों भाई और पापा को। एक रात पे क्या हो गया ना, तकरीबन सुबह 11 बजे गए, 3 बजे हम तीनों भाई आए वापस। उसके बाद रात को 9 बजे पापा और भाई वापस आ गए, तो कोई मसला नहीं हुआ। होता ना कुछ, कोई मसला भी नहीं हुआ उधर। तो थाने में बैठ के कैदियों के साथ हमारी होगी उनके साथ उधर लगे हुए, उनके वो अपना बताएं हमें कैसे लेके आए, हम अपना बताएं, तो उनके साथ थोड़ा शुगर में लगाया उधर। उसके बाद बाकी यही है कि अपनी लोगों का कॉन्टेंट रहेगा। ये गुडियाँ मेरा तो है, पर पापा ने कभी भी नहीं गुडी उड़ाने देनी। तो यही है कि एक दिन इंशाल्लाह दुबई चलेंगे दुरान है। हाँ इंशाल्लाह कोई क्या वगैरह चलेंगे, वहाँ पर जाकर रहेंगे, दुबई चलेंगे बसंत बनाने, फिर इनको पता लगेगा दुबई जा रहे हैं। ठीक है दुबई जा रहे हैं, अगली बार हम बसंत बनाने। ओके तो जब वो पढ़ा है ना पुलिस वाला, मुझे उस वक्त भी वीडियो का था, मैंने बाहर निकाला, मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ थोड़ी सी। तो आगे से कहता है अंदर तले अंदर का जेब छुपा, उसके बाद फिर उसने ना समझा सबसे पहले काम आपके साथ मोबाइल दें किसी को फोन ना कर, फिर उन्हें ना उस वक्त अगर फोन हो जाता ना उस वक्त, फिर इधर ही सारा मसला हो जाता था। बट 15-16 आ गए थे ना, जिसकी वजह से उन्होंने हमें कहा पक्की रिपोर्ट मिली थी आपकी, पक्की मुकुड़ी हुई हुई थी, कपड़े का पक्का थे ये कपड़े हैं, ये बंगा का ये उदा वाला का, किसी ने वीडियो बना के भेजी पक्की मुकुड़ी हुई थी। तो अभी हमने ना इतनी गुड्डी उड़ाई नहीं है, अभी सुबह का टाइम था, सुबह इतनी गुड्डी उड़ी चढ़ भी नहीं थी रही था ना, हमें इतनी उड़ाई थी।